सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि रोजाना फिर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम बना रहे हैं इस बोर्ड के बारे में जो कि मैं पहले बार भी बनाया था, क्लास डी एम्पलीफायर उसकी वीडियो भी डाला था। वो था एक येलो कलर टाइप का एक बोर्ड, तो उसको भी मॉडिफाई करके हम ये बोर्ड ला चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड को मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको दिखा देते हैं। अब देख लीजिए पहले इसकी क्वालिटी को, फिर बात करता हूँ इसकी मैं स्पेसिफिकेशन को कि क्या है इस बोर्ड के अंदर और क्या नहीं है। देख सकते हैं इस बार की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और जानेंगे बहुत ही डिटेल से इस बोर्ड की। तो चलिए और ज़्यादा ना बकते हुए हम इस बोर्ड को तैयार कर लेते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन कैपेसिटर लगाए। कई बंदों का ऐसा सोचना होता है कि भाई इतना छोटा बोर्ड है, इतना ज़्यादा आउटपुट कैसे दे सकता है ये बोर्ड। तो गाइज उसको लोग उन लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि कुछ ही दिन पहले, मतलब जिस टाइम में इस क्लास डी एम्प के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था मैं, तो उस टाइम मैं भी ऐसा ही सोचता था कि भाई इतना छोटा बोर्ड इतना आउटपुट कैसे कर सकता है। तो गाइस एक्चुअल में ये बोर्ड इतना आउटपुट कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल में ये बोर्ड इतना आउटपुट कर सकता है। ठीक है, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है मैं पर्सनली इसको चलाकर भी देखा हूँ। तो गाइस देखिए, मान के चलिए कि जो बंदों को मैं बोलता हूँ मैक्सिमम बंदो बिलीव नहीं करते हैं। जिसको पता है उसको तो पता ही है, और जिसको पता नहीं है उसको लेकर प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई उन लोग बोलते हैं कि भाई ट्राम मॉस्फेट कहाँ पर लगाया। और कई बंदों भाई ऐसा भी करते हैं, भाई इतनी बोर्ड इतना इस बोर्ड के अंदर ज़्यादा टोर्च सामान नहीं लगा है तो ये कितना आउटपुट कर सकता है। तो देखिए भाई, एक एक मॉस्फेट जो इसके अंदर लगा है, एक एक मॉस्फेट का क्षमता है, मान के चलिए ये जो बोर्ड है ये आउटपुट करता है आपको 4 ओम्स पे 1800 से 2000 वाट, 4 ओम्स इन 4 ओम्स। और मेरा पिछले वीडियो आपने देखा था कि एक बड़ा सा बोर्ड है जो कि आउटपुट करता है 2 ओम्स पे 2200 वाट तक, 1800 से 2000 वाट तक। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी छोटा बोर्ड है ये। ये इसकी मैं हीटिंग की बात करूँ तो वो भी नहीं होता है इसके अंदर हीटिंग की। मान के चलिए जो हम 1000 वाट की क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर मान के चलिए मैं 200+200 स्पीकर में डाल दिया, तो उसी टाइम पर जैसा ये हीट करेगा, मतलब क्लास ए बी एम्पलीफायर, इस बोर्ड के अंदर अगर आप 2000 वाट भी डाल देते हैं ना 4 ओम्स पे या फिर 2 ओम्स पे, तो उतना ही हीट होगा। ये सबसे खास बात है इस टाइप की क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बोर्ड है। और यहाँ पर देख सकते हैं फेराइट कोर जो है ये 2 लगाया गया है। ठीक है, ये कोर 2 लगाया गया है, आप ध्यान से देखिए। और पीएफ वगैरह भी आप देख सकते हैं और आईसी भी आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज करके, मैं आईसी का नंबर नहीं आपको बताऊंगा, आपको मैं जस्ट क्लोज करके दिखाऊंगा कि ये आप देखिए सामान पूरा सब जेन्युइन लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए अब सामान पूरा जेन्युइन लगा है और जो क्वालिटी है बोर्ड की वो भी आप देख लीजिए। ये पूरा इधर भी 70 माइक्रोन दिया गया है, ऊपर में भी और नीचे में भी 70 माइक्रोन दिया गया है। ठीक है, तो 70 माइक्रोन का ये बोर्ड आ गया और पी एफ सब बॉक्स टाइप में दिया गया है, आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का। और यहाँ पर कनेक्टर नगर लगाने की जगह दिया गया है, यहाँ पर से आपको ऑडियो इनपुट मिलेगा और यहाँ से आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर लगा है जो कि एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट के अंदर लगने वाला है। देखिए यहाँ पर ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है ना, 1 2 3, ये स्क्रू के नीचे है मॉस्फेट हमारा, 1 2 3 3 3 6। ठीक है, तो गाइस ये देखिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगा है, इसको मेज़र करने के लिए शानदार हीट सिंक है, बहुत ही मोटा। और इस बोर्ड को आप वोल्टेज जो आपको देना है मान के चलिए 80 से 85 AC इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, एकदम बिंदास ये वर्क करेगा। और यहाँ पर आपको मान के चलिए आप सप्लाई दे दिए हैं एक ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली उठाकर डीसी करके यहाँ पर दे दिए, तो भाई ये जल जाएगा, इसको सेफ रखना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा एकदम जेन्युइन वोल्टेज चाहिए, जेन्युइन वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करना चाहिए,
यहाँ पर जो वोल्टेज है खासकर इस वोल्टेज का, ये जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है, कई बंदो बोलता है भाई ये ड्राइवर सेक्शन कहाँ है, तो भाई ड्राइवर सेक्शन ये है, ठीक है। तो ड्राइवर सेक्शन ये आ गया आपका, और यहाँ पर वोल्टेज देना है आपको SMPS से। अगर SMPS से देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर 7812 से आप देना चाहेंगे वो भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर मेरे हिसाब से आपको जो देना है SMPS यूज़ करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरे बात आई होप। तो दोनों ही बोर्ड को आप देख लीजिए, यही था इस बोर्ड के बारे में। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हम साउंड टेस्टिंग। और गाइस मेरा ये वर्कशॉप है, न्यू वर्कशॉप आप देख सकते हैं, और मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी आपको दे दूंगा इस मेरा वर्कशॉप का, ठीक है। और इस बोर्ड का अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैं इसका प्राइस भी बता दे रहा हूँ आपको, कि कई तरह से सामान के ऊपर, कई बंदों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप में लेना चाहेंगे। ये बोर्ड, सेम बोर्ड आपको 3800 में भी मिलेगा और 4000 में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड आप बाय ज़रूर कर सकते हैं, काफ़ी शानदार बोर्ड है भाई। और हीट की बात करें तो एकदम बिल्कुल ये बोर्ड हीट नहीं होता है, और मॉस्फेट इसके अंदर यूज़ किया गया है आपका, बहुत ही ख़ास मॉस्फेट हमारा IRFP 2506 भी यूज़ करते हैं हम, और भी कई सारा वैल्यू है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम ये भी लगाते हैं, ठीक है। कस्टमर की डिमांड के ऊपर भी हम मॉस्फेट को चेंज कर सकते हैं और करते भी हैं। और अगर आप चाहेंगे इसकी PCB लेने, तो PCB आपको मिल जाएगा, ये देखिए PCB, ठीक है। तो PCB आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको खुलासा कर देता हूँ कि भाई PCB आपको अगर लेना है तो मान के चलिए 2 पीस मिनिमम लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि PCB क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप एकदम बिल्कुल एकदम करीब से इसको देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा, मतलब कहाँ पर क्या सामान लगेगा सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। और ये 2 लेयर PCB है भाई, फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर 2 लेयर PCB है। और ये देखो यहाँ पर मॉस्फेट कनेक्ट करने का जगह दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर फेरेट कोर, ओके। तो PCB का प्राइस भी बता देता हूँ आपको, PCB का प्राइस आपको पड़ जाएगा मान के चलिए 360 रुपये तक एक एक PCB का आपको आएगा, मिनिमम 2 पीस लेना पड़ेगा। और क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस कम हो सकता है, वो कस्टमर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहाँ तक था, और मिलते हैं इसको टेस्टिंग के, तो चलिए टेस्टिंग भी कर लेते हैं। और इससे पहले टेस्टिंग करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत ही धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसे लग रहा है ये भी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो गाइज आप देख सकते हैं इसके साथ में, इसके आउटपुट में 200 वाट का एक बल्ब लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ इसको प्रेशर देकर कि कैसे चलता है। ये देखो मैं यहाँ से प्रेशर दे रहा हूँ, देखिए गाइस इसकी स्पीकर आउटपुट से एक 200 वाट बल्ब जो है ये जलने लगा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 100 वोल्ट की करीब इसकी स्पीकर आउटपुट से आपको मिल रहा है, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इस बोर्ड को ख़रीद कर। 200+ 200 वाट 500 वाट मोनो ये सब तो बहुत ख़रीद लिए भाई, पैसा बहुत वेस्ट कर लिए हैं, ज़रा इसको ख़रीद कर देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।